अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स बर्ड्स की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं आपके खुद में हाजिर हुआ से कि मौजूद अपने सेटअप पर। और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई सीज़न चूंकि जो है अब ख़त्म होने लगा, आप कह लें कि भाई लास्ट जिनके पास जब बॉक्सेस में जिनके पास एग्स वगैरह चिक्स वगैरह तो बस उन्होंने जो है बॉक्स लगाए हुए। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास भी तकरीबन पेयर के जो है बॉक्सेस उतर चुके हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी बॉक्सेस यहाँ पर है और इसके अलावा भी जो है अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ पेयर के जो है यहाँ अभी भी बॉक्सेस लगे हुए हैं, किसी में आप कह लें कि अंडे, किसी में बच्चे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से जिस तरीके से एग्स है, ये भी बच्चे निकलने वाले हैं। उसके बाद इनके भी जो है बॉक्सेस जो रिमेनिंग है वो भी जो है निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर भी आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि कुछ जो है बच्चे मौजूद है, इसमें भी माशाल्लाह से पारबिलू, इसके अलावा जो है ब्लू फिशरी और पारबिलू माशाल्लाह से मौजूद है। पट्टे जो निकले थे माशाल्लाह से, तो आप इसमें देख सकते हैं पारबिलू वगैरह, ग्रीन ओपलाइन वगैरह, और माशाल्लाह से यहाँ पे देख सकते हैं पेस्टल बर्ड। और यहाँ पर माशाल्लाह से आप ग्रीन ओपलाइन जिस तरीके से देख रहे होंगे माशाल्लाह A1 क्वालिटी, ये आप देखें इसमें भी माशाल्लाह से 3 चिक्स मौजूद है। और क्वालिटी आप देख सकते हैं, हुड वगैरह देख सकते हैं, बहुत प्यारी क्वालिटी माशाल्लाह। शायद आप देखें 2 से 2.5 महीने के पट्टे समझ लें, 10 दिन पहले आप कहने के सेल्फ हुए हैं। और क्वालिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त मास्किंग, कलर आप देखें कितना डार्क है। और माशाल्लाह से ये ओपलाइन के पट्टे निकले हैं, अभी भी इसमें जो है इस पेयर के नीचे इसी पेयर के बच्चे हैं, और माशाल्लाह से अभी भी 3-4 बच्चे इस बॉक्स में भी मौजूद है। इसी तरीके से कुछ फोस्टर पेयर थे वो जो है सारे आपस में जो है मिला दिए, क्योंकि अब जो सीज़न एंड हो गया तो अब काफ़ी पेयर जो इस तरीके से साथ कर दिए। ये भी अभी पेयर माशाल्लाह से बच्चे जो है पाल रहा है, 3-4 बच्चे इनके नीचे भी मौजूद है, बाकी बॉक्स इनका लगा हुआ है। तकरीबन आप कह लें कि हटा लिए बॉक्स। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी माशाल्लाह से ये जो है 1-2 कलर चुके माशाल्लाह से बच्चे हैं, इसमें फिशरियाँ भी मौजूद है और पसनाटा वगैरह मौजूद है। यहाँ देखें माशाल्लाह से क्लियर रेड भी इसमें पारबिलू मौजूद है, बेहतरीन मास्किंग में माशाल्लाह से। इसके अलावा जो है अल्बाइनो वगैरह, और ये देखें माशाल्लाह अच्छे बर्ड, अच्छे पट्टे माशाल्लाह क्वालिटी वाइज निकले हैं। ये पट्टे कुछ जो है इसमें भी मौजूद है, और 2-3 केजीज में अलग अलग पट्टे मौजूद है। तो आप ये कह लें कि ये सीज़न लास्ट जो कलर्स था वो काफ़ी बेहतर रहा, अभी भी जिस तरीके से बॉक्सेस में जो है बच्चे मौजूद है। ये एक ओपलाइन का पेयर है, ये ओपलाइन का मेल है, इसके साथ फिशरी की फीमेल है। इसकी भी जो है अभी ये बिल्कुल एंड में लगाया था इसको ब्रीड पर, ताकि स्प्लिट ब्लू बच्चे आए, और इसमें भी जो है इसने अंडे दे दिए हैं, अब इसके भी जो है बच्चे निकलने वाले हैं। सेल्फ हो चुके थे वो अलग कर दिए हैं, और कुछ पेयरों के जो बिल्कुल समझ लें एग्स पर थे, आने वाले थे, लेकिन फिर भी जो है उनके बॉक्सेस हटा दिए, क्योंकि अब आप कह लें कि गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अभी तो फिर भी नॉर्मल मौसम है, वैसे आप देखा जाए तो ओवरऑल जो है गर्मियाँ आ चुकी है, और इस वजह से जो है कुछ पेयरों के जो है बॉक्सेस लगे हुए हटा दिए हमने, ताकि जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है फिर वो बॉक्सेस में भी पेयर भी एक तो डिस्टर्ब होता है क्योंकि इतनी गर्मी होती है, और बच्चे भी ठीक से नहीं पलते। तो ये सारे आप कह लेंगे उस वक्त के बच्चे हैं कि आप मौसम काफ़ी बेहतर था, तो इसी वजह से बॉक्स हटा दिए। तो अभी भी कुछ लोग ब्रीड ले रहे होंगे, तो कमेंट करके लाजमी बताएगा कौन कौन अभी तक ब्रीड ले रहा है और किस किस ने जो है बॉक्स हटा लिए। तो मेरा मशवरा तो ये होगा अभी कोई अगर बॉक्स लगाना चाह रहा है तो वो ना लगाए तो बेहतर है, ताकि अगले सीज़न में जो है पेयर आपका रेडी हो और अच्छी ब्रीड करे। तो ठीक है भैया, ये थी एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।